नमस्ते, आपके लिए एक नए रेसिपी लेके अपने चैनल पे। मेरा चैनल सैफ अर्जुन UK01 चैनल पे एक नई डिश लेके आया हूँ, राजस्थानी ब्रेड पकौड़ा। हम राजस्थानी स्टाइल में ब्रेड पकौड़ा कैसे बनाते हैं और होटलों में कैसे ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं और रेस्टोरेंट में कैसे ब्रेड पकौड़ा बनाते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। किस तरीके से हम राजस्थानी ब्रेड पकौड़ा लगता है और किस तरीके से बनता है और किस तरीके से हम होटल में सर्व करते हैं उसे वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रेड पकौड़े की रेसिपी में सबसे पहले डालेंगे हम 1 से 2 चम्मच हींग, चॉप लहसुन, सरसों होल, इसके बाद होल धनिया जो हमने क्रश करके रखा है, और आपकी लाल मिर्च जो हमने काट के रखी है छोटी छोटी, कड़ी पत्ता, चॉप प्याज, इसके बाद चॉप हरी मिर्च, चॉप मैश आलू जो हमने मैश करके रखा है पहले से ही, उसका लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आपका हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद आपका किचनगिंग पाउडर और कस्तूरी मेथी और आपका धनिया चॉप। ये तो हुई कटिंग इसकी। आप किस तरीके से लेते हैं, कितने क्वांटिटी में लेते हैं, हम तो राजस्थानी स्टाइल में बना रहे हैं, मिर्ची हम राजस्थानी स्टाइल में डालते हैं और ये हमने साउथ मिक्सचर कर दिया, साउथ के स्टाइल में मिक्सचर कर दिया कड़ी पत्ता ये, तो हम राजस्थान में इस तरीके से देते हैं और इस तरीके से लोग बात पसंद भी करते हैं। और आप घर पे करिए, इस रेसिपी को फॉलो करिए तो बहुत अच्छी बनती है, आप एक बार फॉलो करिए घर पे। और किस तरीके से बनाते हैं हम आगे की प्रोसेस दिखाते हैं आपको, किस तरीके से हम इसे बनाते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। डाल चुके पैन में, तेल गर्म हो चुका हमारा। सबसे पहले डालेंगे हम चॉप लहसुन जो हमने चॉप करके रखा था, ये चॉप लहसुन डाल दिया। ये राजस्थान में लोग लहसुन वगैरह चटपटा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो हमने इस वजह से डाला है। आप नहीं पसंद करते लहसुन तो नहीं, जरूरत नहीं कोई लहसुन मत डालिएगा। हम ये राजस्थानी स्टाइल में तो सबसे पहले हमें डाल दीजिए लहसुन, तब इसमें हम और सामान डालते हैं, ठीक है। आधा चम्मच हींग, आज हम हींग डालेंगे, उसके बाद सरसों दाना, उसके बाद होल धनिया, उसके बाद आपके 10 से 12 कड़ी पत्ता ये हमने डाल चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम फिर से ऑनियन डाल चुके हैं और आपका हरी मिर्च चॉप करी हुई रखी है हमने, थोड़ा यहाँ के लोग स्पाइसी पसंद करते तो हम स्पाइसी हिसाब से बना रहे हैं, और आपका लाल मिर्च। इसमें सामान डाल चुके हैं इसका ना, हम इसमें आपकी लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने आपको बताया था राजस्थान में थोड़ा स्पाइसी का थोड़ा ज़्यादा ही मामला रहता है तो हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया और आपका स्वाद अनुसार नमक डाल दीजिए। उसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 से 1.5 चम्मच किचन किंग पाउडर। डालने के बाद हम डालेंगे इसमें कलर के लिए 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और आपका धनिया पाउडर 1 से 2 चम्मच। इसे हमें अच्छे से भून लेंगे, एक बार मसाला भून जाए। डालेंगे जो हमने आलू मैश कर रखे हैं, ये आलू मैश करे वाले मैश डाल दिए, आपसे घुमा लेंगे। ट्राई करिए घर पे, बहुत अच्छी रेसिपी है, यकीन करिए। ये मैंने देखो ब्रेड पकौड़ा मैश करके इसमें लगा दिया मसाले वगैरह। ऐसे इसका प्रोसीजर क्या है, इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, इसमें डालेंगे हम हरा धनिया चॉप करके जो हमने रखा था वो हमने सारा इसमें डाल दिया। हम लोग क्या होते हैं धनिया के मतलब फ्लेवर के बड़े दीवाने होते हैं तो हम धनिया का फ्लेवर बहुत पसंद करते हैं। और उसके बाद हमने कस्तूरी मेथी डाल दी इसमें, अब इसे हल्के से मैश कर देंगे, घुमा दिया इसे, इस तरीके से घुमा दिया हमने इसे। इसे अब छोड़ देंगे हम, क्या होगा कि थोड़ा फ्लेवर भी आ जाएगा इसमें और फ्लेवर के बाद इसे हम छोड़ देंगे तो 15 से 10 मिनट ठंडा हो जाएगा तो अच्छा बनेगा इससे हमने ब्रेड पकौड़ा, क्या होगा गीला नहीं होगा इसका मसाला। बेसन, ये आपका बेसन डाल दिया, ये हमने बेसन डाल दिया इस पे, उसके बाद डालेंगे हम इसमें कस्तूरी मेथी और आपका इसमें
अजवाइन। अजवाइन क्या काम करता है? हाजमा का काम करता है, काफी अच्छा हाजमा करेगा इस पे। और हमने आपके स्वाद अनुसार नमक डाल दिया और इसमें कलर के लिए हल्दी डाल दी और चुटकी भर मिर्ची पाउडर। आपको पता है हमने इसमें मिर्ची डाल दी, हल्का से सारा मिक्स कर देंगे इसे। बेकिंग पाउडर, बेकिंग पाउडर क्या काम करेगा? इसे जो हमारे ब्रेड पकौड़े होंगे उसे फुला देगा इसे पूरा। तो हमें इसे मिक्स कर देना है, इसे ये हमने मिक्स कर दिया। किस कट डालनी है हमें इसमें पानी, और किस कितना गाढ़ा बनाना है हमने वो मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से हमने इसका मसाला बनाया, देखिए इतना थिकनेस आना चाहिए इसमें जो ब्रेड पकौड़े में लग सके, आराम से चिपक सके। ठीक है, इसे हमने साइड रख दिया। अब हमारा देखिए ब्रेड पकौड़े का मसाला ठंडा हो चुका है, इस तरीके से हमें ठंडा होने के लिए रखना है। इसे लगा दिया इसमें बराबर लगा दिया, देखिए इस तरीके से हमें इसे आलू मैस आलू जो आपका इसका मसाला था वो हमने लगा दिया पूरी तरीके से। अब इसे हमें ढक दिया। अब क्या करेंगे हम इसे बराबर चारों ओर से इस तरीके से हम इसे काट देंगे। आप चाहें तो साइड कर सकते हैं इसे झटका करने से बैटर पे चारों ओर से, चारों तरफ से हमने बेसन का घोल लगा दिया, ये डाल दिया इसे। हल्का सा ब्राउन होने के बाद हमने इसे पलटा दिया दूसरी तरफ पकने के लिए। पकौड़ा ये फ्राई हाफ डाउन तो हो चुका है, अब हमें इसे निकाल के इस तरीके से कुछ टाइम के लिए एक दो मिनट के लिए छोड़ देना है। क्या है क्योंकि ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा होने के बाद फिर हम इसे क्रिस्पी करेंगे। ठीक है, डाल देना है इस तरीके से। अब इसे थोड़ा गैस की आंच बढ़ा देंगे हमने, ये अब जब निकलेगा क्रिस्पी होकर निकलेगा। ये हमारे ब्रेड पकौड़ा क्रिस्पी हो चुके हैं, देखिए फुल डाउन हो चुके हैं। ये हमने एक के दो पीस करने हैं इसके, ये इस तरीके से हमें काट के सर्व करने के लिए रख देना है। देखिए कितने प्यारे हो रखे, देखिए ये स्टफिंग कितनी प्यारी हो रखी है इसकी, और बैटर देखिए कितना पतला सा, कितना क्रिस्पी क्रंची है। देखिए इसे हमने इस तरीके से, कि आपको कैसी लगी हमारी रेसिपी और हमने किस तरीके से बनाई राजस्थानी स्टाइल में ब्रेड पकौड़ा। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना प्यार हमें देते रहे ऐसे। कोई भी अगर आपको नई रेसिपी सीखनी हो खाने के मतलब के, कोई अलग सीखना, कोई नई डिश सीखनी हो तो प्लीज़ कमेंट पे जरूर लिखिए। और आपका भाई आपके लिए ऐसी वीडियो नई नई वीडियो लेते आएगा हमेशा। ठीक है, बाकी आप लोग सपोर्ट करिए ऐसे ही। थैंक यू।